हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यहाँ पे पनीर मसाला रेसिपी। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी खाने में, तो वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो यहाँ पे पनीर मसाला सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने करीब 250 ग्राम पनीर लिया है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से कुछ टुकड़े पीसीस में इनको हम कटिंग कर लेंगे, छोटे या बड़े साइज़ में आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर के पीस इस तरह से मीडियम साइज़ में कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे हम पनीर को बिना फ्राई करे ही सब्ज़ी बनाएंगे, पनीर मसाला। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर लिए थे दो बड़े साइज़ के, इनको इस तरह से मोटे साइज़ में यानी रफली कटिंग किया है। और अभी इसका मिक्सी में बना लेते हैं पेस्ट। तो मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें टमाटर कटिंग करे हुए ऐड कर दिए हैं, साथ ही ऐड कर देंगे दो मिर्ची इस तरह से रफली कटिंग की हुई। इसका बना लेते हैं पेस्ट। पेस्ट बन के तैयार है। और अभी पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे, खाली कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने खाली कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने 15 से 20 लहसुन की कली ली थी, और उसका भी मैंने मिक्सी के अंदर छोटे जार में पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। बाउल में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे गैस पे रखी कढ़ाई, और तेल ऐड करा है 1 चम्मच, साथ ही 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है यहाँ पे, और 1 छोटा चम्मच शाही जीरा ऐड करेंगे। शाही जीरे से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे तेज़पत्ता, आधा इंची दालचीनी का टुकड़ा, चक्रवर्ती फूल, और यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें जावित्री थोड़ी सी, और साथ ही यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम लौंग, 3 से 4 लौंग ऐड करी है। तो यहाँ पे इस तरह से खड़े मसाले ऐड कर दिए, और एक बड़ी इलायची, इसको हल्का सा इस तरह से कूट के इसमें ऐड कर दिया है। कूटने से इसका जो फ्लेवर टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा सब्ज़ी में। और यहाँ पे लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, तो अभी हल्का लहसुन को भून लेते हैं। अगर आपके पास खड़े मसाले नहीं हैं तो आप किसी भी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से खड़े मसाले का जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़िया आता है। तो हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर मसाला रेसिपी, तो इस तरह से खड़े मसाले उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट लेके आएंगे, बिल्कुल ढाबे जैसा। आधा इंची अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और वो भी ऐड कर दिया है यहाँ पे। मिक्स कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लहसुन बढ़िया सा फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ प्याज ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, दो बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, बारीक कटिंग करके ऐड कर दिया है यहाँ पे। और प्याज आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, प्याज से काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है। और प्याज को यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का कच्चापन निकालना, इतना ही फ्राई करेंगे। साथ ही यहाँ पे टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है, और अभी यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं टमाटर की प्यूरी को। तो यहाँ पे अगर पनीर मसाला सब्ज़ी बनाते हैं तो आप टमाटर कटिंग करके नहीं, प्यूरी ही ऐड करें। और यहाँ पे हल्दी ऐड करिए 1/2 टेबल स्पून मसाले में मैंने, और साथ ही 1 बड़ा चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए, मगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर जो होता है पनीर का, अगर हल्का सा गोल्डन हो तो काफ़ी अच्छी दिखती है सब्ज़ी खाने में भी, और उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने इसमें सिर्फ दो ही चीज़ ऐड करी है, एक तो हल्दी और मिर्ची। तो इनको मैंने अच्छे से मिला लिया है, और काफ़ी अच्छे इसमें बबल्स आ रहे हैं, ग्रेवी पक चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, अभी बिल्कुल थिकनेस आ चुकी है ग्रेवी के अंदर, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया है 1/2 कटोरी, और दही आपको बिल्कुल भी खट्टा नहीं लेना है, मीठा दही लेना है। इसकी जगह आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्रीम का यूज़ करने से भी काफ़ी बढ़िया सब्ज़ी में टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर अगर क्रीम नहीं है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं, पर दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दही को भी कंटिन्यू मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आ जाते हैं, बीच में बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ पे भी इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, साथ ही 2 चम्मच ले रहे हैं हम यहाँ पर धनिया पाउडर, ताकि ग्रेवी काफ़ी बढ़िया बनेगी इसकी। नमक ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून, आप ले सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार जैसा नमक आप खाना पसंद करते हैं, क्योंकि नमक कोई ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं, तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग नमक खाते हैं, तो उस हिसाब से आप नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और यहाँ पे देखिए, मिक्स कर लिया है अच्छे से ग्रेवी को मैंने, और अभी इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने ही मसाले हमने इसमें ऐड करें वो अच्छे से इसमें पक जाएं, और दही भी बहुत ही अच्छे से इसमें पक जाए, तेल सेपरेट हो जाए, बहुत बढ़िया ग्रेवी का कलर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर अभी ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पे करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। तो देखिए, जो दही हमने इसमें ऐड किया था वो काफ़ी अच्छे से तेल सेपरेट हो चुका है, तरी आ चुकी है, एक तरह से बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है ग्रेवी के अंदर। तो यहाँ पे करीब करीब एक तरह से जो मसाला ग्रेवी है पक के तैयार है पनीर की, और अभी इसमें काफ़ी बढ़िया खुशबू भी आ रही है कुछ इस तरह से हम फ्राई कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ग्रेवी को पहले आप अच्छे से पका ले अगर मसाला पनीर बनाते हैं तो। और यहाँ पे अभी इसमें पनीर के टुकड़े इस तरह से ऐड कर देंगे, और यहाँ पे बिल्कुल ग्रेवी पकाने के बाद पनीर के टुकड़े ऐड करें। अगर पहले मैं इसमें ऐड कर देती तो पनीर शायद ज़्यादा टूट जाता, गल जाता। और यहाँ पे इस तरह से बाद में ऐड करने के बाद में सब्ज़ी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा ही पकाना है, क्योंकि मसाला पनीर बना रहे हैं तो सिर्फ मसाला ही पकाना है। पनीर तो इसमें वैसे भी कच्चा ही अच्छा लगेगा खाने में थोड़ा सा। यहाँ पे अभी मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। उसके बाद में आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी मात्रा में धनिया ऐड किया है यहाँ पे। और अभी मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं एक बार इसको इस तरह से अच्छे से। और पनीर की सब्ज़ी तो किसी भी तरह से बनाए बहुत ही टेस्टी लगती है, मगर इस तरह से मसाला पनीर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होता है, फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी को पतला करने के लिए मैंने करीब इसमें 1 कप पानी ऐड करा है, ताकि ग्रेवी एक बार के लिए थोड़ा सा और पक जाए और बढ़िया सा इसमें सब्ज़ी में टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी थिकनेस थी सब्ज़ी के अंदर। और अभी यहाँ पे मैंने मिला लिया, मिक्स कर लिया है, 1 मिनट के लिए इसको कवर करके रखते हैं। और 1 मिनट हो चुका है, अभी हटा लेंगे ढक्कन कढ़ाई पे से। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया सा ग्रेवी में कलर आ चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है, तो ये लग रहा है ना बिल्कुल मसाला पनीर ढाबा स्टाइल। तो अगर इस तरह से सब्ज़ी एक बार आप घर पे बनाते हैं पनीर मसाला रेसिपी, तो ढाबे की सब्ज़ी, होटल की सब्ज़ी, रेस्टोरेंट की पनीर मसाला सब्ज़ी खाना आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और घर पे इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। इस सब्ज़ी को गैस को कर देते हैं बंद, और यहाँ करेंगे इसको प्लेट में सर्व। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, कलर है, काफ़ी बढ़िया ग्रेवी है, और पनीर के टुकड़े पीस काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में।